Hey, what is up everyone, this is Harshil, welcome back to a new video. Okay, so guys, finally Mumbai University के admissions open हो चुके हैं. So जो Mumbai University का pre-enrollment form है वो भी out हो चुके हैं and आपका जो college separate college form है वो भी out हो चुके हैं. तो एंड तक देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना बताऊंगा, ठीक है, स्क्रीन पे ले जाऊंगा तो उस पर बताऊंगा कैसे क्या लॉग इन करना है, क्या डिटेल डालनी है. देखो, एक तो आपका प्री रजिस्ट्रेशन प्री एनरोलमेंट फॉर्म होता है जो कि आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का फिल करना जरूरी है अगर आप कोई भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल NM कर रहे हो कॉलेज अप्लाई, मिटीवाई कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले प्री एनरोलमेंट फॉर्म भी भरना है आपको क्या बोलते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी का, एंड उसके बाद आपको सेपरेट कॉलेज फॉर्म भी भरना पड़ेगा, ठीक है. एंड ये सारे फॉर्म अभी आपका कौन से कोर्सेज के लिए खुले, आपका बैफ हो गया, बीकॉम हो गया, बीएफएम, इन सब के लिए खुला. ऑब्वियसली जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम है जो कि सीईटी अभी हो रहा है 29 को, वो आपके कोर्सेज हो गए जैसे कि बीएमएस, बीबीए वगैरह, उनके लिए आपका अभी नहीं खुला एप्लीकेशन. तो कॉलेज के फॉर्म 6th of June तक खुले हैं NMETY के, एज ऑफ नाउ थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है बट अभी तक वही डेट है. बाकी मुंबई यूनिवर्सिटी तो प्री एनरोलमेंट खुला हुआ है अभी टाइम है, ठीक है. तो वीडियो में एंटर देखना बताऊंगा. ऑल्सो गाइस, इफ समवन इज लुकिंग फॉर डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा, आपका किसी भी टॉप टू कॉलेज है कि आपका मुंबई के हो गए, ठीक है, NMETY, जेवियर्स, HR, KC, JN, विल्सन वगैरह, या फिर NMIMS, Symbiosis, क्राइस्ट, जिंदल वगैरह, या फिर लॉ के टॉप कॉलेज जैसे कि GLC, ILS एंड आपका Symbiosis अगेन, जिंदल, NMIMS वगैरह, या फिर आपका इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस हो गए, या फिर आपका मेडिकल टॉप कॉलेजेस हो गए, किसी भी आपके फील्ड में टॉप कॉलेजेस बैडमिंटन कोटा अगर आप देख रहे हो डायरेक्ट एडमिशन या आपका फ्रेंड भी देख रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो मेरी टीम के, या फिर मेरे को इंस्टा में DM कर दो, हम गाइड कर देंगे. मुझसे बहुत 2-3 साल से लोग पूछे क्या प्रोसेस है, कैसे क्या होता है, देखो बताओ क्या चाह लगता है, तो रिसर्च किए काफी जेन्युइन सोर्सेज बताएंगे किससे क्या होता है, कितने आपके पैसे जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्कैम भी होते हैं. तो यार बी अवेयर एंड या कॉन्टैक्ट करो, बता देंगे. तो भैया जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो विदाउट टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. गाइज, ये नया पोर्टल बना है, पहले मुंबई यूनिवर्सिटी का अलग होता था, अब नया बन चुका है. तो अब मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्टर कैसे करना है. लिख के आ रहा है वेलकम टू मुंबई यूनिवर्सिटी UG एडमिशन बोर्ड 2024-2025. ये आपके FAQ हैं, कॉन्टैक्टर्स है, प्रोस्पेक्टस भी दे रखा है आपका, फिर आपका प्रोग्राम स्केड्यूल सबको दे रखा है. तो देखो, आपका सेल ऑफ एडमिशन फ्रॉम 25th मई से चालू हो गया था आपका. अब आपका क्या बोलते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट 13 जून को आएगी. अब देखो कॉलेज अलग बताऊंगा, अभी सुनो, पहले ऑफिशियल जो मुंबई यूनिवर्सिटी फर्स्ट मेरिट लिस्ट 13th को आएगी, सेकेंड 21st, थर्ड 28 जून को आएगी, ठीक है. जो सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं, जो सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं उनकी लिस्ट आएगी, उनकी डेट्स हैं, ठीक है. बाकी अब जो ऑटोनॉमस कॉलेज जैसे कि आपका MITY हो गया, ठीक है, या फिर आपका NM हो गया, या फिर UPG हो गया, उनके लिए क्या स्केड्यूल बता देता हूँ. उनके लिए आपका ये है, आपको देखो पहले तो जो प्री एनरोलमेंट फॉर्म में भर के बताऊंगा वो भरना है आपको, ठीक है. उसके बाद आपको मुंबई लाइक MITY कॉलेज, NM कॉलेज, UPG कॉलेज अलग फॉर्म भरना है, वो भी आपको बताऊंगा वीडियो में कैसे क्या भरना है थोड़ा जल्दी जल्दी करके, ठीक है. तो अब इनका स्केड्यूल ऑफ एडमिशन अलग है, इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट चालू होगी 7 जून को आएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट 12 जून को, थर्ड मेरिट लिस्ट 18 जून को आएगी इनकी, ठीक है, NM, MITY, UPG की, जो SVKM के अंडर आ जाते हैं. तो या ये सीन है आपका. एंड बाकी इसकी लास्ट डेट लाइक कॉलेज फॉर्म्स की 5 जून तक है, ठीक है. तो बस अब जल्दी से मैं आपको फॉर्म भर के बता, क्लिक कर देंगे, ठीक है. तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म वॉर्म आ जाएगा जो आपको भरना पड़ेगा वाइल रजिस्टरिंग, आपकी डिटेल्स बेसिक. एंड गाइज ऑल्सो, आप कहीं भी सबसे पहले वीडियो को स्टार्टिंग बता रहा हूँ, चलो धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है. ये देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन द क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट, और बाकी ये सब आप पढ़ लो ध्यान से, ठीक है. एंड इसमें आपको एप्लीकेंट अपना फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, मेल ID, एंड ये तो बेसिक चीज़ें, पासवर्ड वगैरह ऐसे आपको क्रिएट करना है सिर्फ, अभी बाकी फॉर्म बाद में भरा जाएगा. जल्दी से ये आप डिटेल्स भर लेना, मैं भी डालने का आएगा, आपको OTP डाल देना है, आपका मेल ID या नंबर दोनों पे आएगा, एंड OTP डालोगे, आप वेरिफिकेशन करोगे, सबमिट OTP, तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा. उसके बाद अब आपको फॉर्म भरना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूँ फॉर्म कैसे. लास्ट कुछ ईयर से बहुत अलग था आपका क्या नाम है पोर्टल, ये बहुत अलग आया, इस बार नया है, बट हाँ इम्प्रूव पोर्टल लग रहा है. देखो अब आपके पास ये सबसे पहले प्रोफाइल डिटेल्स भरनी है, फिर अदर डिटेल्स, फिर अपलोड्स एंड प्रीव्यू वगैरह है. आप सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स भर दो, आपका नेम हो गया, फिर आपका एप्लीकेशन, जेंडर, ये तो नॉर्मल बेसिक डिटेल्स है, ब्लड ग्रुप हो गया, रिलीजन हो गया आपका, तो ये सब आप बेसिक भरते जाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी जो भी है. उसके आपको प्लेस ऑफ बर्थ, डेट क्या है, ये सब फैमिली डिटेल्स भर दो. फिर अब ये इंपॉर्टेंट है, आपका कोटा कौन सा है वो आप ध्यान से भरना, कुछ फेक वगैरह आप कुछ मत बता देना गलत कोटा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, ठीक है.
तो ये है, बाकी आप एड्रेस बता देना जो भी आपका एड्रेस है, एंड उसके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो देखो अब आपको नॉर्मल जो डिटेल्स बननी है कुछ, कि आपका इलनेस वगैरह या आपको जो भी चीज़ें हैं, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, ये सब बहुत बेसिक डिटेल्स, अगेन ज़्यादा डिटेल्स में ये सब है, तो ये जल्दी से फिल कर लेंगे। मैं अब आपको अपना फ़ोटो अपलोड करनी है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, एंड अगर आपको कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी हिंदू फैमिली आपने डाला था, कैटेगरी आपकी वो है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट डालना है, एंड आपका इनकम सर्टिफिकेट डालना है। तो ये सारी फाइल्स आप डाल देना, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ पाओगे, जो कि प्रीव्यू है। तो मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, तो ये प्रीव्यू आ रहा है, जो भी मैंने डिटेल्स अभी तक सारी भरी थी, एंड इसे सबमिट एंड लॉक का ऑप्शन आता है, सबमिट एंड लॉक फॉर्म आ गया। इसमें अब आपको अपना सारा प्रोग्राम डिटेल्स वगैरह भरना है, तो हम प्रोग्राम बैचलर्स ऑब्वियसली, प्रोग्राम इसमें से आपको कौन सा चाहिए, BMS चाहिए, BCA वगैरह, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, XYZ, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें अब BCOM से लेके तो सारे कॉलेज के ऑप्शन आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल में मेरे को मेटी भाई चाहिए, तो मेटी भाई को मैंने अपना सेकंड प्रेफरेंस रख दिया। तो ऐसे ही आप कितने भी को भर सकते हो, जितने मन कर सक मतलब मन करे आप उतने कॉलेज भर दो जिस कोर्स के लिए आपको चाहिए, उसके बाद आप प्रोसीड कर दो, बट एक कोर्स के लिए एक ही आपका फॉर्म भरा जा रहा है, तो ऐसा सिस्टम है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने BCOM में अप्लाई करना है, प्रोग्राम सिलेक्शन आपका मेटी बाई कॉलेज क्राइटेरिया दे रखा है। अब गाइज इसमें आपको ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड वगैरह सब भरना है। अब इसमें मेन चीज़ है, आपको मार्क्स पूछे जाते हैं, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं कि भाई टॉप 5, टॉप 6 डालना है, बेस्ट 5 या फिर एग्रीगेट। तो गाइज इसमें एग्रीगेट डालना होता है, बहुत क्लियर है, आपको जो टोटल मार्क्स जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं मार्कशीट में, उन सबके मार्क्स कंबाइन मिला के डालने हैं, बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 4 नहीं डालने, कंसिडर नहीं होगा बाद में, ठीक है। 12, 10 दोनों में बेस्ट ऑफ 5, 4 आप ये सब मत डालना, टोटल मार्क्स डालना। डिटेल जो हमने पहले भरी थी वही सब दिखा रहे हैं प्रीव्यू, तो इसमें नेक्स्ट करते जाएंगे, ये सब हमने भर लिया था, अपलोड कर दिया था, इस पर भी नेक्स्ट करते जाएंगे, लास्ट में प्रीव्यू आ जाएगा। तो हाँ अच्छा एक चीज़, डॉक्यूमेंट्स वो क्लास 10 थी आपने नहीं डाले, वो अपलोड करना पड़ेगा, एंड आपको 12th भी अपलोड करना पड़ेगा। तो बस गाइज यही था फॉर्म, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना है, फॉर्म भर देना है, प्री एनरोलमेंट फॉर्म था, ऐसे आपको अपना कोर्स कॉलेज सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको अलग से क्या बोलते हैं कॉलेज का भी फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि मिटी बाय NM इन सब का है। ये NM मिटी बाय UPG का फॉर्म है, तो ये अब मैं फिल करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ कि इसमें क्या फिल करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रजिस्टर करना है, क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ऑल्सो गाइज डू सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आपको चैनल पर, अभी तो पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी की मिलेगा, जो भी एडमिशन वगैरह हो रहा है, एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, ठीक है, सब कुछ जेवीएस NM जो भी कॉलेज वगैरह लिस्ट आएगी, जो भी अपडेट वगैरह, साथ में NMIMS सिंबायोसिस का कोई भी आपका कॉलेज रिलेटेड कॉलेज फैक्ट्स, रिव्यूज, एंट्रेंसेस, आपके सब क्रिएटिव वीडियो आती है, फिर कॉलेज स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस आती है वीडियो, फिर आपका इंटर्नशिप वगैरह उसके रिलेटेड भी आ रही है, प्रोडक्टिविटी की, स्टडी अब रिलेटेड आएगी, बहुत कुछ मिलेगा आपको चैनल पे, इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ। भी डाउट वगैरह करना हो तो ड्रॉप कर दो या फिर आप इंस्टा पे DM कर सकते हो, मुझे फॉलो कर देना, उधर थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। बस चलिए आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और भी वीडियो आ रही है मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह की, और भी बहुत कुछ प्लान है, स्टे ट्यून। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो वेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।